दादा, कल हमारे हिंदू भाइयों का गुड़ी पड़वा का त्यौहार था और कल आने वाला रमजान ईद है, उसके मौके पर बुमराह वासियों को क्या पैगाम दोगे, किस तरह आप जाहिर करोगे खुशियाँ? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कल ईद है, आज चांद रात होगी। पहले तो मैं आज के दिन चांद रात की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कल ईद है, पूरे महीने भर हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो रोज़े रखे उनको अल्लाह ताला ने कल का दिन ईद, ईदुल फितर, ये अल्लाह ताला ने ईद हमें तोहफे में दिए। इस ईदुल फितर की मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों बिरादरानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास करके ईद के लिए मैं आपको सभी के घरों में खुशियाँ हो, और सभी परिवारों को मैं यही कहूँगा कि ईद की खुशियाँ सभी के घर में बांटो, सबको परिवार को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भारत। सबसे पहले तो एक दिन लेट चल रहे हम लोग गुड़ी पाड़वा यानी मराठी नए साल के लिए मेरे मराठी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा हम लोग नए साल के। और कल जो आने वाला दिन है वो ईद, रमज़ान ईद का दिन है। तो सभी मुसलमान भाई जिन लोगों ने पूरा महीना रोज़े रख के इबादत किए तो उनको मुबारकबाद का दिन है। उस दिन हम लोग बहुत हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एकता है। कल हमारा जो जयंती का प्रोग्राम था वो भी मनाया गया, और उसके बाद में इंशाल्लाह ताला कल ईद भी उसी धूमधाम तरीके से हम लोग मनाई जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ सारे लोगों के लिए कि अभी क्या थोड़ा सा इलेक्शन का दौर भी शुरू हुआ है, तो हर आदमी जो भी अपने फैसले सोच समझ के ले, अब तक जो मुमरा में हुआ है कोशिश करें कि उसको दोहराने का मौका नहीं मिले लोगों को। जो परेशानी, जो बेरोज़गारी, जो नशा जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है मुमरा की, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुमरा में इलेक्शन के दौर में सोच समझ के डिसीज़न लेके वोट करें। दादा, कल जैसा कि रमज़ान है, दुश्मनी भुलाकर लोगों को प्यार बांटने वाला त्यौहार है, दुश्मनी भुलाकर सेवई खिलाकर गले लगाने का कल दिन है, तो आप अपने विरोधियों को क्या मैसेज देंगे, क्या उनसे कल गले लगेंगे आप? जैसा मैंने होली के दिन कहा था, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, मैंने ये होली के दिन कहा था। और जैसे कि मुबीन भाई ने कहा था कि कल गुड़ी पड़वा हुआ, गुड़ी पड़वा के ये हमारा मराठी मराठी लोगों का ये नया साल है। इस गुड़ी पड़वा की नए साल की मैं सभी हमारे मराठी बांधवों को शुभकामनाएं देता हूँ। नवीन वर्ष सुख समृद्धि भरभराटीचं आणि खास करून मनशांती जो हो ये मैं कहता हूँ। और हमारा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, हमारे इस जो रमज़ान ईद में जो रमज़ान ईद है कल की, उस ईद में मैं सभी भाइयों को गले मिलने की और उनके लिए खास दुआ करने के लिए ये करता हूँ कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। और ईद की फिर से एक बार मुबारकबाद पेश, धन्यवाद। हरी भाई, जिस तरह दादा ने आने वाली ईद को लेकर के मुमरा की आवाम को शुभकामनाएं दी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये ईद तेरे वास्ते खुशियों का डगर हो, क्या खूब हो हर रोज़ तेरी ईद अगर हो। मैं ईद उल फित्र के मौके पर तमाम आलम इंसानियत को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सभी से ये अपील करता हूँ कि ये खुशी के मौके पर अपने पास पड़ोस के दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में ऐसे लोगों की तलाश करें जो ज़रूरतमंद हों, जो खुददार लोगों से सवाल नहीं करते हैं, लोगों से ज़ुबान नहीं खोलते हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।